कोरबा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष नवी मार्कंडे के निर्देशानुसार व भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा कोरबा के उर्जावान जिला अध्यक्ष सरजू अजय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रही कांग्रेस की सरकार, जो कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की निष्क्रियता से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कोरबा द्वारा महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के नाम पांचों विकास खंडों में कार्यक्रम प्रभारियों के द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कटघोरा विकास खंड में सुशील गर्ग, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभिषेक गर्ग, मंडल महामंत्री कटघोरा सुनील खांडे, भाजयुमो जिला विशेष आमंत्रित सदस्य आकाश मनकर, मंडल अध्यक्ष अजा मोर्चा कटघोरा समजीत सिंह, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष जय गर्ग, भाजयुमो मंडल महामंत्री नरेंद्र चौहान, मंडल महामंत्री अजा मोर्चा प्रीतम चेलकर, मनीष पांडे, मनीष मनकर, विनोद आदिले, सूरज कंवर, रविशंकर चेलकर व अजय कुर्रे मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नवीन मार्कंडे जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सभी विकास खंडों में महामहिम माननीय राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यह ज्ञापन छत्तीसगढ़ की निकम्मी जो सरकार है भूपेश बघेल, जब से यह सरकार आई है तब से यहाँ भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में पनपा हुआ है। सभी प्रकार के माफियाओं का राज है यहाँ, और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में जब से ये सरकार आई है तब से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के ऊपर भयादोहन, अत्याचार, रेप जैसे जघन्य अपराध हो रहा है। हमारी जब भाजपा के शासनकाल थी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो चल रही थी, उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में गुरु घासीदास शोध पीठ का निर्माण किया गया, उस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण तालाबंदी कर दिया। बठेना जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र, वहां सतनामी समाज के गायकवाड़ परिवार के 5 लोगों की निशंस हत्या कर दी गई, और ये जो सरकार है वो मौन मूक दर्शक बने देखते रहे। कवर्धा में 7 साल की एक बच्ची के साथ अनुसूचित जाति के ही निशंस हत्या कर दी जाती है और रेप होता है, उस पर केवल SC ST का धारा नहीं लगता, केवल हत्या का दर्ज होता है धारा, और उसके बाद भी किसी प्रकार का और कोई कार्यवाही नहीं किया जाता। भोग्राम की एक महिला जिसका तत्कालीन जांजगीर के पाठक कलेक्टर उनके साथ अनाचार किए, अवैध संबंध बनाकर अनाचार किए और उनको बाद में छोड़ दिया जाता है, और उस अधिकारी को इनाम दिया जाता है छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार द्वारा और उच्च पद पर विराजमान किया जाता है। ये पूरी जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है तब से पूरा जो अमला है प्रशासन का और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देशों पर काम कर रही है और मूक दर्शक बनी हुई है। अनुसूचित जाति के लोगों पर ही ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।